Sunshine Coast? How many people? Five. 128.70. भाई लकीली हमें मिल गई. थैंक यू. ओ लकीली हमें मिल गई, बगैर बुकिंग के मिल गई. हैं? मैंने कहा था मिल जाएगी, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है. 12 बजे की मिलेगी कहा था आपको. सबसे पहले आपने घबराना नहीं. अब्दुल रहमान साहब आ गए हैं जी बाद में. हमारे साथ है उमर भाई भी आज, और बड़े अरसे बाद नवीद भाई वापस वापसी हो गई. और ये सेफ्टी भाई पिंक शर्ट को तो फेमस है ऑलरेडी यूट्यूब में. इसमें हमारे बाद नाम बचता है, नाम बचता है, लोग जानते हैं. तो भाई हम आज जा रहे हैं सनशाइन. नजारे इधर से ही शुरू हो गए सनशाइन कोस्ट के, और सरप्राइज अगला ये है कि गाड़ी जाएगी सीधा फेरी में, बाकी सफर होगा फेरी में. तो या हाँ हाँ, व्यू क्या ही व्यू है, और बाकी नजारे होंगे फेरी के मजे मजे के. भाई टिकट ले ली $128 की. ये वन साइड है. अच्छा ये सेम प्राइस है, मतलब विक्टोरिया भी 130 की बनती है, और वो सफर भी पौने दो घंटे का. विक्टोरिया की 250 की बनेगी. हाँ, नहीं नहीं, आपने जब बंदे ऐड किए थे तब वो देखे ना, व्हीकल का $50 है. $25 पर बंदा इन्होंने लिया, तो महंगा लिया ना. उसके अंदर $13 लेते हैं, $18 लेते हैं पर बंदा, $15 पर बंदा. सेम ही प्राइस है उधर. ये कि व्हीकल का जो उसके अंदर है ना, वो आपका बनता है $80 और $78 बनता है, या तो ये $50 है. या हम जी जनाब फेरी में तो आ गए हैं, कॉफी शॉफी पकड़ ली है, नज़ारे चेक करें आप. पहले विक्टोरिया की तरफ जाते हुए तो आप लोगों ने देखा होगा, इस बार हम जा रहे हैं सनशाइन कोस्ट की तरफ. तो ये भी एक आइलैंड है, 40 मिनट्स की फेरी की राइड है. बंदे इंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी एक वॉक अराउंड लें. मौसम ज़रा आज क्लाउडी है एक बार फिर से, और कोई अनाउंसमेंट भी चल रही है, और ये चेक करें जो बोट में इंजॉय कर रहे हैं. थोड़े से छोटे छोटे से आइलैंड आ रहे हैं, और ये वाला जैसे आइलैंड है, तो ये देखें आइलैंड. तो यहाँ पे भी तीन चार घर मैंने बने देखे हैं, जो अलग ही किस्म के सारे जो घरों में रह रहे हैं जी. तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ डेस्टिनेशन की तरफ. हम पहुँच रहे हैं फेरी बिल्कुल ही, ये देखें साउथ डॉक हो जाएगी, और सामने टर्मिनल है. इस टर्मिनल से हम ऑफ होंगे, तो मुझे कॉल भी आने लग पड़ी है, नीचे गाड़ी में बुला रहे होंगे. तो अब चलते हैं, फिर आगे जाके मिलते हैं. ओह टाइम हो गया, तो वापसी की तरफ जाते हैं. ये ना हो गए हमें यहीं छोड़ के निकल जाए बंदे, वैसे जा भी नहीं सकते. मेरा सेल फोन ही की है गाड़ी की, और वो वेट कर रहे होंगे गाड़ी के पास ही. तो आपको मैंने कहा नीचे से दिखाता चलूँ. पहले ऊपर डेक पे था, डेक से नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं. हाँ जी इतनी क्यों तुम नीचे जाते वक्त. तो अभी गाड़ी की तरफ पहुंचने लगे हैं. ये सामने आप देखें गाड़ियां लगी, लेकिन ये डेक 3 पे है, हमारी गाड़ी है डेक 2 पे. डेक 2 की तरफ ये है डेक 2, और गाड़ी को चेक करते हैं गाड़ी हमारी किधर लगी है. पहुंच गए, एक स्टॉप लिया है हमने सनशाइन कोस्ट. ये सिटी कौन सा है? डेविस बे बीच. तो ये 20 मिनट्स की हम शायद ड्राइव कर चुके हैं लैंसडेल, जहाँ पे हमारी फेरी आई थी. तो आप सीन चेक करो भाई यहाँ पे, आहा क्या नजारा है.
वाह वाह। भाई चेक करें, दूसरी साइड में हम जाने लगे हैं और नीचे पत्थर सिपियां शिपियां। आहा आहा क्या नजारे हैं भाई जी। मुकाबला होने लगा है पत्थर फेंकने का, सब ने अपने अपने पत्थर ले लिए हैं। आपका किधर नहीं लग गया? चले जी उमर भाई, उनका पत्थर उमर भाई को खतरे के बोर्ड पे ना लग जाएगा। और बोर्ड देख लें आप, ये तो गरीब है, साथ फेंक रही है। ये सही है, कौन नहीं फेंक रहा? तो आप वीडियो बनाए फिर। अच्छा ये कट्ठे ही फेंकते हैं सारे। अच्छा सुटो सुटो दो, मेनू ना मार रहा इधर। एक तो गया ही नहीं। मेरा 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 वो अगर किसका है वो एक बार नहीं नहीं नीचे फेंक ना, ऊपर ना फेंक। चलो जी अली भाई शॉट, अली भाई उस पे हमने हेड कर ले मारना। ओके चलो बड़ा उधर हो ना, आप नहीं बोल रहे 1 2 3 गो। अमर भाई का आ गया। जी तो हम एक पूरा राउंड लगा चुके हैं सनशाइन कोस्टल आइलैंड का। तो अभी खाने के लिए हम पहुंचे हैं इधर 4.7 रिव्यूज से इस शार्किस फिश लॉकर के। तो फिश एंड चिप्स खाने के लिए आए हैं, तो ऑर्डर कर लिया, सब ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर किया ताकि सब हर तरह की फिश हम ट्राई कर सकें। और यहाँ पे चेक करें, वो जो नेक्स्ट टेबल वाला है वो बेंच हमने लगाया कि उधर बैठ के खाना खाएंगे जंगल के बीचों बीच। तो अभी फिश एंड चिप्स आती है, ऑर्डर कर चुके हैं हम, तो जैसे ही आती है उसके भी आपको एक पिक्चर थोड़े बहुत सब व्यू दिखा के फिर आगे बढ़ाते हैं अपने व्लॉग को। हाँ जी भाइयों, जाने का टाइम आ चुका है, गाड़ियाँ लगी हैं लाइन में, हम भी गाड़ी पार करके लगे हुए हैं। तो एक आधे घंटे में फेरी जाए चलेगी। तो चेक करें इधर भी सीन, माउंटेन्स ऊपर क्लाउड्स और बंदे जो हैं थक टूट के बैठ गए हुए हैं। तो इधर से एंट्री मारी थी और गुड न्यूज़ ये थी कि जाने के लिए कोई टिकट नहीं थी, जिस टिकट में आए हो वही सेम है, बस उसी पे ही आप वापस जाओ। आते वक्त वापस यहाँ से वैनकोवर जाते वक्त कोई पैसे नहीं। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आपको आना है तो गाड़ी की $50 है और बाकी पर पर्सन $18 है, जितने पर्सन हो उनकी, और गाड़ी की $50। तो बस वही है सब कुछ, बस उसमें आओ फिर उतरो। तो एक घंटे की ड्राइव है एंड टू एंड भी इस क्या कहते हैं आइलैंड की, तो वो पूरा हम गए एंड तक, फिर वापस आए फिश वगैरह खाई और अब वापसी है। अब आपको थोड़ी देर में फेरी तक जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं फेरी से भी। ये देखें जी, शिप में गाड़ियां लोड होते हुए, जो हमारा है वो सबसे ऊपर वाले डेक पे नंबर 1 2 3 4 डेक हैं इस फेरी के, और हमारा इस फेरी पे हमने गाड़ी लगाई है। ये जो आपको पीछे एक दो ट्रंक नज़र आ रहा है, इससे आगे वाली गाड़ी आती है लास्ट में। तो फिर उन्होंने ये डेक बंद कर दिया, ये सबसे ऊपर डेक था और उसका ये ब्रिज चेक करें रोड से, ब्रिज को डिसकनेक्ट कर लिया। अब वो नीचे आप देख सकते हो एक गाड़ियाँ, या ये चेक करें आप, वो नीचे वाले डेक पे गाड़ियाँ फेरी लोड हो रही हैं। तो अंधेरा हो रहा है इस टाइम, मगरिब का टाइम अब हो चुका है पे, तो लाइट्स वगैरह भी ऑन हो रही हैं। तो हम अब यहाँ से रवा दवा होंगे। वेस्ट वैन की तरफ हम निकलेंगे अब यहाँ से, 40 मिनट्स की ये फेरी राइड होगी। तो चेक करें ये शाम का नज़ारा भी, एक वो फेरी लगी हुई है, एक फेरी जिसमें हम इस टाइम सवार हैं, अभी टैक पे आ चुके हैं हम। तो हल्का हल्का ठंडा मौसम है, अपर वगैरह पहन ली। ये देखें सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बोर्ड्स,
जी भाई रात का शाम का टाइम, फेरी से वापसी अब जा रहे हैं, तो व्लॉग को करते हैं क्लोज। और उससे पहले जाते जाते आपको रात के जो सीन है ना मैं वो भी दिखाता चलूँ। ये वो सनशाइन कोस्ट जिसके तीन या साइडों पे पानी है और एक साइड से ऊपर अटैच होता है, लेकिन वहाँ से भी आप आ जा नहीं सकते क्योंकि रोड नहीं है, सब बहुत देर है। तो अब उधर से हम आ चुके हैं, ये वो सिटी है यहाँ पे, और एक सिटी नहीं काफ़ी सिटी है यहाँ पे, भी लोग रहते हैं यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं घरों की लाइटें वगैरह लगी हैं। और उसके साथ ये एक और आइलैंड है और कुछ लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ पे भी लोगों की रिहायशी है, लोगों ने रिहायशें रखी हुई हैं। तो चेक करें, ये छोटे से आइलैंड है और लोग इधर भी रह रहे हैं, आस पास आगे पीछे हर पानी है, आने जाने आम दो रास्ते इधर नहीं है, लेकिन लोग रहते हैं। खुद की इन्होंने बोट्स भी रखी होती हैं मूव करने के लिए, जैसे ये एक लाइट आप देख रहे हो ये मूव कर, ये बोट है जो उस साइड पे जो आइलैंड है उधर रहते हैं लोग, तो वो बोट पे कनेक्टिविटी करती है। तो अब ये फेरी से हम वापस जाते हुए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो हम ऊपर डेक पे ही हैं, नीचे वेटिंग रूम में या सीट्स पे नहीं बैठे हुए, हम इंजॉय कर रहे हैं। तो एक अच्छा ही नज़ारा है, फ्रेंड्स के साथ बोटिंग कर रहे थे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। इंजॉय करिए, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे मेहरबानी है आपकी, और शेयर भी करते रहें। थैंक यू जी, बाय बाय।